बच्चों, आज के हमारे क्लास में हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन यानी कि दोहराना। किसी भी चीज़ को जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले कर चुके हैं, उसको रिवाइज करना या उसको फिर से दोहराना, जिससे वो हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम कुल दो चीज़ों को दोहराएंगे, यानी कुल दो चीज़ों का रिवीजन करेंगे, जिसमें से पहला हमारा विषय है सुबह की सैर। ये पार्ट आपको याद होगा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा रिवीजन हम इसी पार्ट के साथ करेंगे, सुबह की सैर। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि इस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो इस पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि रवि और चेतन अपने पिताजी के साथ मैदान में गए थे, और वो मैदान में किस दिन गए थे बच्चों? वो मैदान में रविवार के दिन गए थे। मैदान में उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे पेड़ देखे, झूले देखे। वहाँ पे उन लोगों ने झूला झूला और उसके साथ मैदान में सैर भी की, कसरत की। इसके साथ साथ उनके पिताजी ने उन बच्चों को, यानी कि रवि और चेतन को, ये बात समझाई भी कि पैदल चलना सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, यानी कि हमारे शरीर के लिए पैदल चलना कितना अच्छा होता है, उससे हमें कि बहुत फ़ायदे होते हैं, और क्या क्या फ़ायदा होते हैं ये भी बताया गया था। जैसे बीमारी दूर भागती है, हमारा मन खुश रहता है, और पढ़ाई में भी रुचि पैदा होती है। तो ये एक छोटा सा पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सुबह की सैर। अब आज हम लोग इस पार्ट पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं इस पार्ट पर आधारित, लेकिन आज कुछ नए प्रश्न उत्तर हैं, जिसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर खुद से लिखने हैं। और वो आप कैसे कर पाएंगे? ऐसा करने के लिए आपको अपना ये सुबह की सैर पाठ को फिर से अपने आप पढ़ना होगा, ठीक है बच्चों? रीडिंग करने से बहुत फ़ायदे हैं। जैसे आप जब रीडिंग करते हो तो सही शब्द, सही मात्रा को बोलना आप सीखते हो। तो रीडिंग करना, किसी भी पाठ को ख़त्म करने के पहले, उसके प्रश्न उत्तर करने के पहले, उसकी रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले रीडिंग करिए। जब आप बार बार रीडिंग करेंगे तो आपको हर प्रश्न के उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इतनी बार उसको पढ़ा है कि वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? तो पहले आप खुद से फिर से इस पाठ को, सुबह की सैर पाठ को पढ़ेंगे, और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये आपको अपने आप करने हैं। मैं आपको प्रश्न पढ़ के बताती हूँ। पहला प्रश्न है, रवि और चेतन कहाँ गए थे? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से, रवि और चेतन कहाँ गए थे। तो ये पाठ हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि इस प्रश्न का उत्तर, मुझे पूरी आशा है कि आपके तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि रवि और चेतन कहाँ गए थे। इसका उत्तर आप तुरंत लिख सकते हैं, उसको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, पैदल चलने के क्या क्या फ़ायदे हैं? फिर इस पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि पिताजी ने कैसे बच्चों को समझाया था कि पैदल चलने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो वही फ़ायदे आप यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर बनाते हुए लिखेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। रवि और चेतन ने मैदान में क्या क्या किया? तो बच्चों, फिर से अपने पाठ की तरफ सोचो, तो आपको याद आएगा कि रवि और चेतन जब मैदान में गए थे तो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या किया था। या जब आप कभी अगर मैदान जाते हो, जिसको हम लोग पार्क भी बोलते हैं, ग्राउंड भी बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आप कभी जाते हो तो आप वहाँ पे क्या क्या करते हो, ठीक है? तो उसी के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर बनाएंगे, ठीक है? सारे चीज़ों को याद करने से नहीं होता है, अगर आप समझ लोगे तो आपका आधे से ज़्यादा काम वहीं पर हो जाएगा, तो समझ के करने की कोशिश करिए। अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर।
इस प्रश्न पे थोड़ा ध्यान देना बच्चों। एक व्यवस्थित दिनचर्या के लिए किन किन क्रियाओं को करना जरूरी है? फिर से पढ़नी हो, एक व्यवस्थित दिनचर्या के लिए किन किन क्रियाओं को करना जरूरी है? दिनचर्या मतलब हमारा जो रोज़ का काम होता है, जो सुबह से लेकर रात तक जो काम हम रोज़ करते हैं वो हमारे दिनचर्या में आएगा, ठीक है। क्रिया मतलब होता है काम। तो आपके दिन भर में आपका कौन कौन सा ऐसा काम है जो आप रोज़ करते हैं, आप उसको अपने, जैसे आप सुबह सो के उठे वहाँ से लेकर के रात में सोने तक के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम रोज़ करते हैं, जो करना ज़रूरी है, जो करना सही है, जो करना अच्छा है, तो वही काम आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है, ठीक है। तो आप इसको, इसके लिए आपको कुछ पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ सोचना है कि आप सुबह से लेकर के रात तक में कौन से ऐसे काम हैं जो करना हमारा ज़रूरी है, अच्छा है, सही है, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे लिखेंगे और जो हम रोज़ करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे कुल 4 प्रश्न। एक बार फिर से इनको दोहराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, रवि और चेतन कहाँ गए थे? प्रश्न 2, पैदल चलने के क्या क्या फ़ायदे हैं? प्रश्न 3, रवि और चेतन ने मैदान में क्या क्या किया? और अंतिम प्रश्न है, एक व्यवस्थित दिनचर्या के लिए किन किन क्रियाओं को करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे र में छोटे ऊ की मात्रा लगी है और ज के नीचे बिंदु लगा है, इसलिए इसको ज नहीं पढ़ेंगे, इसको ज पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। बच्चों, क नंबर पे हम लोगों ने प्रश्न उत्तर किया, अब ख नंबर आ जाते हैं। ख नंबर पे हमें करना है वाक्य बनाइए, ठीक है। वाक्य बनाइए तो हम लोग पहले बहुत बार कर चुके हैं और आप बहुत ही अच्छे अच्छे वाक्य बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ नए शब्द मैंने दिए हैं जिन पर आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। वो शब्द रविवार, पहले नंबर पे रविवार, रविवार शब्द से आपको वाक्य बनाना है। कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं, लेकिन वाक्य बनाते समय सही शब्द और सही वाक्य, सही मात्रा का प्रयोग करिएगा। और जब वाक्य बन जाएगा तो हर बार की तरह जिस शब्द पे हम लोग वाक्य बनाते हैं, वो शब्द जब हमारा वाक्य में आता है तो उसको हम रेखांकित करते हैं, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, जिस शब्द पे हम वाक्य बनाते हैं, वो शब्द जब हमारा उस वाक्य में आता है तो उसको हम रेखांकित करते हैं, ठीक है। ऐसा हर बार करना है, आपको कहा जाए चाहे ना कहा जाए, ऐसा आप हर वाक्य में करेंगे, ठीक है। तो पहला शब्द हो गया रविवार, उसके बाद दूसरा शब्द है सुबह, ठीक है, सुबह। फिर तीसरा शब्द पेड़, और चौथा शब्द कसरत। ये आप एक के नीचे एक जिस प्रकार आप वाक्य बनाते हो उसी प्रकार आप इसको करेंगे, ठीक है। एक बार फिर चारों शब्द पढ़ रही हूँ, रविवार, सुबह, पेड़, कसरत। कुल 4 शब्द हैं जिनसे आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ग नंबर पे क्या है बच्चों? उचित स्थान पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं। उचित स्थान पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, इसमें क्या है, नीचे आपको कुछ शब्द दिए हैं, कुल 5 शब्द दिए हैं, लेकिन उन शब्दों में से मात्रा हटा दी गई है, ठीक है। आपको क्या करना है, वो शब्द पढ़ना है और ये पहचानना है कि उस शब्द पे कहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी जिससे वो शब्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये शब्द अधूरा है। जैसे एक शब्द ले लेते हैं
स र ज सरज, ठीक है। सरज तो कुछ भी नहीं होता, सरज नाम कोई शब्द नहीं होता, इस शब्द पे हमें मात्रा लगाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये पहचानना है कि कहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी जिससे ये शब्द पूरा हो जाएगा, ठीक है। स र ज सरज, इसमें कौन से अक्षर पे कौन सी मात्रा लगेगी जिससे ये शब्द पूरा हो जाएगा, ठीक है। कुल पांच शब्द हैं, जैसे पहला बमारी, बमारी, यहाँ पे म पे भी मात्रा है, र पे भी मात्रा है, ठीक है। और ये हमें पता है कि किसी भी अक्षर पे एक ही मात्रा लगती है, यानी यहाँ पे म पे मात्रा पहले से लगी है, र पे मात्रा पहले से लगी है, तो मात्रा किस पे नहीं लगी है, मात्रा ब पे नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो मात्रा कहाँ लगेगी, इसका मतलब, इसका मतलब मात्रा ब पे लगेगी, लेकिन कौन सी मात्रा लगेगी ये आपको पहचानना है और उसको सही मात्रा लगा के इस शब्द को पूरा करना है, ठीक है। दूसरा शब्द है स र ज सरज, तो इस पे भी आप सही जगह पे सही मात्रा लगाइए और इस शब्द को पूरा करिए। फिर तीसरा शब्द है तर, यहाँ पे भी मात्रा देखिए कहाँ पे लगेगी। आगे बढ़ते हैं स ब ह, सब ह, इसको भी उसी प्रकार करना है, सही जगह पे मात्रा को लगानी है और शब्द पूरा करना है। और फिर अंतिम में ख श खश, तो बच्चों खश तो कोई शब्द नहीं होता है, हाँ इसमें आप अगर सही मात्रा लगा देंगे तो ये एक शब्द बन जाएगा। तो यही करना है इसमें कि उचित स्थान पर मात्रा लगाकर शब्द बनाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं घ नंबर पे। घ नंबर पे सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें नीचे आपको कुछ वाक्य दिए हैं या कुछ प्रश्न दिए हैं या कुछ वाक्य दिए हैं, ठीक है। उनके दो उत्तर यहाँ लिखे हैं, मतलब प्रश्न भी लिखा है, उसके दो उत्तर भी लिखे हुए हैं, जिसमें एक उत्तर सही है और एक उत्तर गलत है, ठीक है। जो सही उत्तर है उस पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। मैं इसको पढ़ दे रही हूँ, इसे पूरा आप अपने आप करिएगा, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दे रही हूँ कि यहाँ क्या लिखा है। पहले नंबर पे है घास किस रंग की होती है, ठीक है, घास किस रंग की होती है, तो इसका दो उत्तर नीचे लिखा है हरी नीली। आपको पहचानना है कि इसमें सही उत्तर क्या है और उस पर सही का निशान लगाना है। दूसरा, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, इसका उत्तर आप खुद पहचानिए। तीसरा, रवि और चेतन किसके साथ घूमने गए, फिर से रवि और चेतन किसके साथ घूमने गए, पिताजी माताजी, ठीक है। तो ये तीन हो गए जिन पर आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो सुबह की सैर पाठ पर आधारित ये कुछ और प्रश्न थे बच्चों, जिनको आपको खुद से हल करना है, जिनका उत्तर आपको खुद से करना है। लेकिन सबसे पहले हम फिर से सुबह की सैर पाठ को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, बस दो बार ही पढ़ लोगे आप तो सारा उत्तर आप अपने आप कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या देखा हम लोग ने आज। पहले हम लोग ने प्रश्न उत्तर किए, प्रश्न किए, उत्तर आपको अपने आप करना है, कुल चार प्रश्न हैं, ठीक है। ये सभी काम आपको अपनी स्कूल की ही कॉपी में करना है जिसमें अभी तक हम करते चले आ रहे हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं। प्रश्न एक, रवि और चेतन कहाँ गए थे। प्रश्न दो, पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं। प्रश्न तीन, रवि और चेतन ने मैदान में क्या क्या किया। और प्रश्न चार,
एक व्यवस्थित दिनचर्या के लिए किन किन क्रियाओं का करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद ख नंबर पे था वाक्य बनाइए, जो चार शब्द हैं रविवार, सुबह, पेड़, कसरत, इन पे वाक्य बनाना है। फिर ग नंबर पे उचित स्थान पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, ठीक है। शब्द हैं बमारी, सरज, तर, सबह, खश, ठीक है। कुल पांच शब्द हैं जिन पे हमें सही मात्रा लगा के सही शब्द बनाना है, और अंतिम में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। घास किस रंग की होती है? हरी, नीली। हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। रवि और चेतन किसके साथ घूमने गए? पिताजी, माताजी। तो ये हो गया बच्चों हमारा सुबह की सैर पाठ, यहीं पे इसका रिवीजन हम ख़त्म करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द हम पढ़ चुके हैं, विलोम जिसको विपरीत शब्द भी कहते हैं, यानी उल्टा करना किसी भी चीज़ का, किसी भी शब्द का उल्टा करना। जैसे हंसने को बोला जाए तो हम रोए, चलने को बोला जाए तो हम रुक जाएं, ये क्या हुआ? विलोम हुआ, ठीक है। तो अब विलोम पर कुछ अभ्यास करते हैं। नीचे लिखे शब्दों के सही विलोम शब्द लिखकर उनसे एक वाक्य बनाइए। फिर से, नीचे लिखे शब्दों के सही विलोम शब्द लिखकर उनसे एक वाक्य बनाइए। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है। विलोम शब्द तो हमें आता ही है, विलोम शब्द एक बहुत ही आसान है, हम लोग बहुत आसानी से किसी भी चीज़ का विलोम शब्द बता पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, आपको उन शब्दों का पहले विलोम शब्द निकालना है, ठीक है। फिर जो विलोम शब्द निकलेगा उससे, उस शब्द से एक वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे पहला शब्द है सुख, ठीक है। पहला शब्द क्या है? सुख। तो सबसे पहले हम सुख का विलोम शब्द लिखेंगे। तो सुख का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? दुख, ठीक है। तो यहाँ पे पहला शब्द क्या है? सुख। सुख का विलोम शब्द क्या होगा? दुख होगा, ठीक है। अब इस दुख शब्द से हमें एक वाक्य की रचना करनी है, यानी कि एक वाक्य बनाना है। तो एक वाक्य मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए बनाया है, जैसे मेरी बात सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ। इसको रेखांकित करेंगे। मेरी बात सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ, ठीक है। ये एक उदाहरण देके मैंने बताया। अब आपको इसके बाद चार शब्द दिए हैं, इसे आपको इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से अभी ये पहला उदाहरण हम लोग ने देखा। फिर से देख लेते हैं कि शब्द है सुख, ठीक है। जो शब्द दिया है उस शब्द का सबसे पहले हमें विलोम ढूंढना होगा कि उसका विलोम क्या होता है। तो सुख का विलोम होता है दुख, ठीक है। हमें विलोम शब्द मिल गया। अब विलोम, ये जो दुख शब्द आया है, इस शब्द से या इस शब्द पे हमें एक वाक्य की रचना करनी है। तो दुख शब्द से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने एक वाक्य बनाया है कि मेरी बात सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ, ठीक है। जब आप लोग करेंगे तो आप ये ही वाक्य नहीं लिखेंगे, आप अपने से कोई दूसरा वाक्य बना करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये आपको उदाहरण के लिए दिया गया है, लेकिन आप इसी को नहीं लिखेंगे, आप दूसरा वाक्य बना करके यहाँ पे लिखेंगे, हो गया। अब आगे हम लोग और शब्द देख लेते हैं कि और क्या क्या शब्द हैं। दूसरा शब्द है अच्छा। तो अच्छा का विलोम क्या होगा बच्चों? तुरंत दिमाग में आपके आ जाएगा कि अच्छा का विलोम क्या है, आपको खुद करना है। तीसरा नंबर है
काला, तो काला का विलोम क्या होगा? तो जो काला का विलोम होगा वो लिखेंगे और उस शब्द से हम एक वाक्य बनाएंगे, और इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार अभी हमने ऊपर एक उदाहरण देखा, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे है पास। कोई चीज़ हमारे पास है और उसका विलोम क्या हो जाएगा? बस वही जो आप होगा वही इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है, मतलब उत्तर हो जाएगा। तो पास का विलोम लिखेंगे हम और फिर जो शब्द आएगा उसी से वाक्य की रचना करेंगे। और अंतिम में पांच नंबर पे है एक। तो एक का विलोम क्या होगा? इसको सोच के लिखिएगा और उससे वाक्य की रचना करिएगा। कुल पांच शब्द हैं जिसमें पहला मैंने आपको करके दिखाया है, लेकिन उसका वाक्य आप फिर से कुछ और अलग अपने आप करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं पांचों शब्दों को। सुख, अच्छा, काला, पास, एक, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा अभ्यास देख लेते हैं। उचित विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी कि जो जगह खाली है वहाँ पे हमें कुछ लिखना है, और वहाँ पे हमें क्या लिखना है? उचित विलोम शब्द, यानी कि जो विलोम सही विलोम शब्द है उसको लिखना है। कैसे करना है ये देख लेते हैं। यहाँ पे कुल आपको नीचे चार वाक्य दिए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ नीचे आपको कुल चार वाक्य दिए हैं। इन चार वाक्य में हर या इन चार वाक्य में एक शब्द है जो जिसके वो रेखांकित किया गया है, ठीक है। उस रेखांकित शब्द का आपको विलोम लिख करके इस वाक्य को पूरा करना है। फिर से बता रही हूँ, नीचे वाक्य दिए हैं, हर एक वाक्य में एक शब्द है जो रेखांकित किया गया है। जो शब्द रेखांकित किया गया है उस शब्द का विलोम शब्द हमें रिक्त स्थान में लिखना है और इस वाक्य को पूरा करना है, ठीक। अब हम वाक्य पढ़ लेते हैं। पहला वाक्य है, मेरे पास अधिक फल हैं परंतु उसके पास बहुत डैश, ठीक है। मेरे पास अधिक फल हैं परंतु उसके पास बहुत डैश। अब यहाँ पे आपको देखना है कि किस शब्द को रेखांकित किया है। तो यहाँ पे रेखांकित किया है अधिक शब्द को। अधिक शब्द का जो विलोम होगा वो विलोम हम इस रिक्त स्थान में लिखेंगे। लिखने के बाद हम फिर से इस वाक्य को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा वाक्य सही बन रहा है, ठीक है। और अगर ये वाक्य हमारा सही बन रहा है तो इसका मतलब हमने सही किया है। मेरे पास अधिक फल है परंतु उसके पास बहुत डैश। तो यहाँ पे अधिक शब्द है, अधिक शब्द रेखांकित है, इसका विलोम हम रिक्त स्थान में करेंगे। और रिक्त स्थान में लिखने के बाद हम इस वाक्य को पुनः पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा वाक्य सही बन रहा है। अगर वाक्य सही बन रहा है इसका मतलब हमने सही किया है, और अगर कुछ गलत बन रहा है तो कहीं पे गलती हुई है, तो हमें फिर से देखना पड़ेगा। दूसरे वाक्य पे आते हैं, घर के अंदर फूलदान है और डैश बगीचा। फिर से, घर के अंदर फूलदान है, फूलदान मतलब जिसमें हम फूल रखते हैं, फ्लावर्स रखते हैं। घर के अंदर फूलदान है और डैश बगीचा। बस यहाँ पे भी किस शब्द को रेखांकित किया गया है? अंदर शब्द को रेखांकित किया गया है। तो पहले अंदर का विलोम क्या होता है इसको हमें देख सोचना होगा, फिर उसका विलोम हमें यहाँ लिखना होगा, फिर हम इस वाक्य जब यहाँ अंदर का विलोम हम लिख लेंगे इस रिक्त स्थान में, तो हम फिर से इस वाक्य को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा ये वाक्य सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है डैश गाय। फिर से, पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है डैश
गाय यानी डैश मतलब जो रिक्त स्थान है। अब यहाँ पे किसको रेखांकित किया गया है बच्चों? इस वाक्य में ऊपर शब्द को रेखांकित किया गया है, ठीक है? तो ऊपर शब्द का विलोम क्या होता है? जो होता है उसको हम इस रिक्त स्थान में लिखेंगे और इस वाक्य को पूरा करेंगे। जो उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा और ठीक से दिख भी रहा होगा कि ये क्या यहाँ पे लिखा है। अब आ जाते हैं चौथे वाक्य पर। आम बहुत खट्टा है किंतु शहद डैश, ठीक है? फिर से, आम बहुत खट्टा है किंतु शहद डैश। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द का विलोम हमें यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है और इस वाक्य को पूरा करना है। अब इसी वाक्य में बच्चों दो चीज़ और मैं आपको दिखाऊं कि एक शब्द है बहुत और एक शब्द है शहद। जब हम इसको लिखते हैं तो हम लिखते हैं बहुत, आम बहुत, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम बहुत नहीं बोलते, हम बहुत बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मात्रा का ख्याल रखिएगा बच्चों, बहुत लिखा जाता है लेकिन जब हम बोलते हैं तब इसको बहुत पढ़ देते हैं, लेकिन ये होता क्या है? बहुत। उसी प्रकार शहद है, शहद को हम लोग शहद लिखते हैं, शहद सही है, सही शब्द है शहद, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब साधारण बोलचाल की भाषा में जब हम इसको बोलते हैं तो हम इसको शहद बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जब लिखेंगे तो इसको शहद नहीं लिखेंगे, शहद लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। तो इन दो बातों का, इन दो वर्तनी का भी ख्याल रखिएगा यहाँ पर। एक बार फिर से ये चारों पढ़ लेते हैं। मेरे पास अधिक फल है परंतु उसके पास बहुत डैश, इसमें अधिक शब्द रेखांकित है। घर के अंदर फूलदान है और डैश बगीचा, अंदर शब्द रेखांकित है। पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है डैश गाय, ऊपर शब्द रेखांकित है। अंतिम में आम बहुत खट्टा है किंतु शहद डैश, और इसमें खट्टा शब्द रेखांकित है, ठीक है? और जो शब्द रेखांकित है उसी का विलोम शब्द लिख के हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। अब अगले अभ्यास पे आ जाते हैं बच्चों। ये अगला अभ्यास मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुना रही हूँ, इसको आपको अपने आप समझना है, अपने आप करना है कि इसमें क्या करेंगे, ठीक है? मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ जिससे आप इसे ठीक प्रकार देख पा रहे हो कि नहीं, मैं एक बार पढ़ के सुना दे रही हूँ। उचित विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। फिर से, उचित विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। क, अंदर, तीन उदाहरण, तीन विकल्प दिए हैं, ठंडा, बाहर, नीचा, ठीक है? कैसे करना है ये आप खुद समझिएगा। ख नंबर, कोमल, इसके विकल्प हैं कठोर, गरीब, सीधा। फिर ग नंबर, दिन, विकल्प है लंबा, हंसना, रात। घ नंबर, मोटा, विकल्प है उठना, पतला, जाना, ठीक है? तीन विकल्प दिए हैं, फिर से पढ़ दे रहे हैं कि क्या करना है। उचित विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। चार क ख ग घ, चार शब्द हैं, अंदर जिसका विकल्प है ठंडा, बाहर नीचा, ख नंबर पे कोमल, विकल्प कठोर, गरीब, सीधा, ग नंबर पे दिन, विकल्प लंबा, हंसना, रात,
और घ नंबर पे मोटा। विकल्प हैं उठना, पतला, जाना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखो बच्चों, यहाँ पे ल पे अंग की मात्रा है। ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग आधा न की तरह भी पढ़ते हैं और आधा म की तरह भी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी जैसे ये जो लंबा लिखा है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ल आधा म ब, ब में आ की मात्रा। पता, इसका ये जो आधा, ये जो बिंदु लगा है, इसको आधा म भी बोला जाता है और बहुत जगह इसको आधा न भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आधा म का उच्चारण है, इस पे लंबा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ने दो टॉपिक्स किए। पहला है सुबह की सैर, उसको दोहराया हम लोग ने, कुछ उसके प्रश्न उत्तर देखे जिनको आपको खुद से करना है, और उसके बाद विलोम शब्द दोहराए हमने। तो सभी अभ्यास को अपने आप करने की कोशिश करिए, आप बहुत अच्छे प्रकार इनको कर पाएंगे। उसको उसी प्रकार कॉपी में करिए जैसे अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, गुड डे।